नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। बुलेटिन की शुरुआत हथियारों को लेकर आत्मनिर्भर होते हिंदुस्तान से करते हैं। एक दौर में हर छोटे बड़े सैन्य हथियारों को लेकर ताकतवर देशों पर निर्भर रहने वाला हमारा देश अब ना सिर्फ सेना के लिए घातक हथियार तैयार कर रहा है, बल्कि कई देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। और इसी में AK-203 असॉल्ट राइफल का नाम भी जुड़ने वाला है। अमेठी में तैयार हो रही AK-203 राइफल कैसे देश की सरहदों की ढाल और दुश्मनों के लिए काल साबित होने वाली है, ये जानने के लिए मॉस्को के क्लानिशकोव शूटिंग रेंज से एबीपी न्यूज के डिफेंस एडिटर आशीष सिंह की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। हर चुनौती को पार पाने की काबिलियत, जल थल नभ में विजय पताका लहराने की ताकत और हर दुश्मन को खाक में मिलाने की कुव्वत, जिक्र जब भी हिंद की सेना का आता है 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सर फख्र से ऊंचा हो जाता है। लेकिन अब सेना के हाथ और मजबूत करने का वो इंतजाम हो चुका है जिससे चीन और पाकिस्तान जैसे नापाक पड़ोसी हमारी सरहद की तरफ आंख उठाने से पहले हजार बार सोचेंगे। जानना चाहते हैं कैसे, तो रूस की राजधानी मॉस्को चलिए। तो हम रूस की राजधानी मॉस्को के कलाश्निकोव के शूटिंग रेंज में हैं। मैं आपको पैन करके दिखाऊंगा कि काफ़ी लंबा ये शूटिंग रेंज है जो AK-203 की रेंज है। और AK-203 की हम बात कर रहे हैं तो ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि AK-203 के दो वर्जन हैं, हालांकि बहुत ही 19-20 का ही फ़र्क है। ये जो मेरे दाएं हाथ में है ये इंडियन वर्जन है, और ये जो मेरे बाएं हाथ में है ये रशियन वर्जन है। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। टेक्निकलिटीज़ में अगर नहीं जाएं तो आम आदमी के लिए अगर आप ये समझिए कि 19-20 का ही फ़र्क है, लेकिन उसके कई वजहें हैं। जो इंडियन रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके हिसाब से इसको हल्का सा मॉडिफाई किया गया है। ये महज तस्वीरें नहीं हैं, ये रक्षा क्षेत्र में हिंदुस्तान के बढ़ते रसूख का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यहां देश में ही बनी सबसे अत्याधुनिक राइफल AK-203 की टेस्ट फायरिंग की जा रही है, जिसका जायजा लेने एबीपी न्यूज के डिफेंस एडिटर आशीष सिंह खुद मॉस्को पहुंचे। ये जो गन है ये मैं फायर करूं, इसके साथ ही मैं आपको इसकी डिटेल्स भी दे देता हूं कि लगभग 600,000 AK-203 राइफल्स अमेठी के कोरबा में बनाई जाएगी। इसका मतलब साफ होगा कि न केवल इंडियन आर्मी के लिए बल्कि जो भारत की पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, यानी कि BSF, CRPF, ITBP वगैरह, या फिर जो पुलिस में भी कई राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पर AK असॉल्ट राइफल की ज़रूरत होगी, मशीन गन की ज़रूरत होगी, वहां पर भी ये दिया जा सकेगा। और साथ ही साथ विदेशों में भी, यानी कि भारत और रूस मिलकर तीसरे देश को, चौथे देश को भी ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यानी हिंदुस्तान में बना सबसे घातक हथियार अब दुनिया के कई देशों की फौज के पास होगा।
इसीलिए जानना जरूरी है AK-203 को क्यों सबसे घातक एजॉल्ट राइफल कहा जाता है, AK-47 और AK-56 से ये राइफल कितनी अलग है, भारत में बनी एजॉल्ट राइफल की दुनिया भर में डिमांड क्यों है, इन सब सवालों का जवाब मॉस्को की शूटिंग रेंज में मिला, जहां एबीपी न्यूज के डिफेंस एडिटर आशीष सिंह ने खुद AK-203 से फायरिंग कर दुनिया के सबसे आधुनिक राइफल की ताकत आजमाई। ये 7.62 mm के कार्ट्रिजेस हैं, जिससे हमने इस मैगजीन को लोड कर दिया है। ये हम तैयार हैं AK-203। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा हम जूम करके दिखाएं। ये इंडियन वर्जन है AK-203, ये देखिए, ये रशियन वर्जन है AK-203, दोनों 7.62x39 के लिए है। और मैं फायर करूँ, जाहिर सी बात है कि भले ही रूस में हूँ, दिल से हिंदुस्तानी है, तो इंडियन वर्जन ही ट्राई करेंगे। ये रेडी मैगजीन हमारी रेडी, ये लॉक सिंगल फायर पर है और अब रेडी टू फायर। सेफ्टी ऑन, सिंगल बर्स्ट, यानी कि एक बार में एक ही गोली। खास बात यह है कि मॉस्को के शूटिंग रेंज में गरज रही ये एजॉल्ट राइफल यूपी के अमेठी में बनकर तैयार हुई है। AK-203 AK सीरीज की सबसे घातक राइफल है। रूस ने पहली बार इसे 2018 में तैयार किया था। 2020 में भारत और रूस में इसे लेकर समझौता हुआ। समझौते के तहत अगले 10 सालों तक 601,427 AK-203 राइफल्स तैयार की जानी हैं। ये मोदी है, अब मेड इन अमेठी AK-203 राइफलों से आतंकियों और नक्सलियों के साथ होने वाली मुठभेड़ों में हमारे सैनिकों को निश्चित रूप से बहुत बढ़त मिलने वाली है। 2019 में अमेठी के कोरवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैक्ट्री का शिलान्यास किया था। इस साल की शुरुआत से AK-203 राइफल भारत में तैयार होने लगी थी, लेकिन यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि रूस में बनी राइफल और भारत में तैयार हो रही AK-203 एजॉल्ट राइफल में क्या फर्क है। मेरे बाएं हाथ में आपको रशियन वर्जन है AK-203 का, दाएं हाथ में इंडियन वर्जन है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊं तो आपको ये कह सकता हूं कि बहुत 19-20 का ही फ़र्क है। लेकिन क्योंकि AK-203 जब भारत और रूस के बीच में जॉइंट वेंचर के तौर पर बनाई जाएगी, इसका मतलब साफ होगा कि जैसे ब्रह्मोस को भारत और रशिया मिल के बनाए और अब हम दूसरे देशों को बेच रहे हैं, तीसरे देश को, फिलीपींस से और भी बहुत सारे देश जिनको एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ऐसे में AK-203 जो कि अमेठी के कोरबा में बनाई जाएगी, वहाँ पर से इसे पूरे विश्व में एक्सपोर्ट किया जा सकेगा इंडिया और रशिया जॉइंट वेंचर के जरिए। भारत दुनिया का इकलौता देश है जहाँ AK-203 राइफल तैयार हो रही है। खास बात यह है कि ये राइफल बेहद हल्की है और हर मौसम में बखूबी काम करती है, यानी बॉर्डर पर पाकिस्तान के पाले पोसे दहशतगर्दों से लेकर देश के जंगलों में छिपे गद्दारों का खात्मा कैसे तय है खुद देखिए। एक बार फिर मैगजीन लोड कर चुका हूं और एक दूसरे पोजीशन में भी हम ट्राई करके देखेंगे, क्योंकि भारत में जब ऑपरेशन होते हैं तो केवल इंडियन आर्मी ही इस तरह के ऑपरेशन नहीं करती है जिसमें आतंकवादियों को मार गिराना होता है, बल्कि पैरामिलिट्री के लिए भी, यानी कि चाहे वो ITBP हो, BSF हो, CRPF हो, जो नक्सलाइट्स के खिलाफ भी हैं, उन्हें भी इस तरह की गन दी जा सके। और इसीलिए जंगलों में जब ऑपरेशन करना होता है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको केवल एक ही पोजीशन में फायर करना पड़े। इसलिए अब नी पर हम आ चुके हैं और सिंगल बर्स्ट पे है और लॉक करके हम फायरिंग की शुरुआत करते हैं।
पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।